फ्रेंड्स मैं हरपिंदर कौर तुम देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। अज मैं थोड़ा 17th क्यू कार्ड करवा जा रही हाँ जो कि है डिस्क्राइब एन अनफॉरगेटेबल बाइक और बाइसाइकिल ट्रिप। जो कि तुम बाइक या बाइसाइकिल ते कोई ट्रिप ते गए हो तो वह थोड़े लिए यादगार रहा हो। वैन इट वॉज कदों की गल है, वेयर यू वेंट, तुम कितने गए सी, वट हैपन ड्यूरिंग द ट्रिप, की होया कहते ड्यूरिंग द ट्रिप, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। तो उस बारे उस ट्रिप बारे किदां दा फील किया? वैल आई फील साइकलिंग इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एनी प्लेस। कहते मैनू लगता है कि साइकलिंग इज द एक बेस्ट वे है टू एक्सप्लोर करना किसी भी प्लेस न। इट इज़ इको फ्रेंडली एंड ऑलसो हैल्प मेनटेनिंग फिटनेस। कहते एक इको फ्रेंडली है, ये कोई पोल्यूशन नहीं हों, ठीक है, ये तो अपनी फिटनेस भी ये बनी रहती है। हेयर आई वुड लाइक टू अलाबोरेट अ बाइसाइकिल ट्रिप विच आई रियली इंजॉयड। कहते मैं इतने वो ट्रिप दस जा रही हूँ जोड़ा मेरे लिए रियली मैं बहुत इंजॉयड किया। A few months ago, I went on a day-long bicycle tour with some close friends from Chandigarh to Shimla. Kende assi last kuch mahinyan di gall hai, main apne friends naal trip te gayi si Chandigarh to Shimla. It was a far distance for a bicycle ride. Kende kafi dur da like a trip siga, but we enjoyed the ride anyway. Par kende assi enjoy kiti bahut zyada ride. It was an interesting and adventurous experience for every one of us. Kende hi ek interesting te adventurous एक्सपीरियंस ही साढ़े हरेक के लिए। एडवेंचरस हों थोड़ा डेंजरस जो खतरनाक एडवेंचर हो जिमें पहाड़ी इलाका से तो करके साथ एडवेंचरस एक्सपीरियंस ही। इट टुक अबाउट 6 hours फॉर अस टू रीच शिमला। कहते सानू शिमला रीच करने 6 hours लगे। I made the trip with some of my local college friends. कहते मैं अपने कुछ local college friends के नाल ही trip plan किया। In fact, they were planning to make such a day-long bicycle tour for a long. After finalizing the plan, जो कहते असी finalizing कर लिया, फिर असी we were 7 members in this team. कहते असी 7 members ही and brought our bicycles. ते अपने अपने असी bicycle लेके आए to take the longest ride of our life. We started the journey early in the morning. कहते सी अपनी जर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग ही स्टार्ट कर ली सी एंड प्लान टू गैट बैक टू द सिटी बिफोर द सनसैट। तो सनसैट तो पहला असी डिसाइड किया वापस मुड़ना एंड वी वर सक्सैसफुल इन डूइंग सो। तो असी ये बिल्कुल सक्सैसफुल होए। द ट्रिप वॉज अमेजिंग। ट्रिप बहुत वधिया रहा। वी डिड मैनी थिंग्स ड्यूरिंग द टूर एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स वॉज द मोस्ट कॉमन ऑफ दैम। कहते असी बहुत चीज़ा कीतियाँ, असी कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक कीतियाँ। तो यह एक उस तो बाद कहते बिसाइड्स वी मोस्टली एट डिलीशियस स्ट्रीट फूड। कहते असी डिलीशियस स्ट्रीट फूड भी खाधा। टुक सम टाइम ऑफ इन ब्यूटीफुल प्लेसिस। ब्यूटीफुल प्लेसिस देखियाँ, उत्थे कुछ टाइम रुके। समटाइम्स वी हैड टू स्लो डाउन एज द स्ट्रीट वर ब्रोकन इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी। कितने कितने सानू कहते हौली भी जाना पे क्योंकि कुछ स्ट्रीट्स की सीगियाँ टुटिया हुई सी। फाइनली वी ऑलसो सेंग वेरियस सोंग्स ड्यूरिंग द टूर। तो असं कहते काफ़ी सोंग्स भी सेंग किए जो असी टूर पर गए सी। आई इंजॉयड द टूर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द एंड। कहते मैं स्टार्टिंग तो लैके एंड तक यह टूर को इंजॉय किया। इन फैक्ट इट वॉज द लॉन्गेस्ट बाइसाइकिल राइड फॉर मी। कहते भावें एक लॉन्गेस्ट बाइसाइकिल राइड से एंड आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वुड बी एबल टू राइड सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। कहते मैंने अपने आप से बिलीव नहीं सी मैं इन्नी लॉन्ग राइड जी है इनू डिस्टेंस न सफर पूरा कर पाऊंगी। वैन आई रिटर्न होम इन द डस्क। कहते असं जो वापस आए शाम को आई फैल्ट अ ग्रेट डस्क। डॉन हों मॉर्निंग टाइम, डस्क हों इवनिंग टाइम। आई फैल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ अकम्पलिश डिस्पाइट अ हॉरीबली टायर्ड फीलिंग। कहते सानू बहुत वधिया असी बहुत वधिया फुलफिलमेंट की सानू एक फीलिंग आई अकम्पलिश असी कुछ गेन कर लिया होवे डिस्पाइट अ हॉरीबली टायर्ड फीलिंग। असी थके हुए घट महसूस किया। ये फॉलोअप्स क्वेश्चन ने डू पीपल इन यूर कंट्री ऑफन ट्रैवल बाय बाइक्स। कहते कंट्री के लोग कॉमनली कहते ट्रैवल बाइक थ्रू करते हैं। द ट्रेंड ऑफ कम्यूटिंग थ्रू प्राइवेट व्हीकल्स इज गेनिंग ग्राउंड इन दिस मॉडर्न एरा। कहते जो प्राइवेट व्हीकल्स का ट्रेंड है वो की होंदा जा रहा है, वधदा जा रहा है मॉडर्न टाइम दे विच। इन माई कंट्री पीपल नॉर्मली कम्यूट टू वर्क बाय कार बिकॉज कार्स आर मोर कन्वीनियंट। पर मेरी कंट्री के लोग अपने काम से कार के थ्रू जाते हैं क्योंकि कार्स बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने।
More convenient mode of transportation with comfortable seats and superior features instead of bikes. क्योंकि इधर विच के अंदर बहुत ज़्यादा features होंगे ने as compared to the bikes. So second question करते हैं follow up the. Second question है which is more convenient bicycle or a car. कहने ज़्यादा की convenient है comfortable किया ज़्यादा. According to my perception car is the most suitable mode of transport. कहने मेरे according car ज़्यादा better है because क्योंकि कहने they allow people to travel in an air conditioned environment and provide adequate protection from inclement weather. कहने जो एक AC की सुविधा provide करता है ठीक है उस तो इलावा जिहड़ा एनवायरमेंट हुंदा है भी मतलब कि वधिया एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है कार दे विच एंड कई बार जदों वैदर नहीं वधिया हुंदा तां भी कार की रहिंदी है सेफ रहिंदी है इन एडिशन कार्स आर द फास्ट एंड परफेक्ट फॉर कवरिंग लोंग डिस्टेंसिस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ते कार्स नूं कहिंदे इह वी मन्निया गया कि इह लोंग डिस्टेंस कवर करन दे लई बहुत ज़्यादा बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है सो थर्ड क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन शुड लर्न द स्किल्स ऑफ राइडिंग फ्रॉम एन अर्ली अर्ली एज कहिंदे तुहानूं की लगता है कि स्टूडेंट्स नूं जो चिल्ड्रन ने कहिंदे उन्होंने स्टार्टिंग एज तो ही सीख लेना चाहिए अर्ली एज तो यस लर्निंग टू अ राइड अ बाइक और अ साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट स्किल दैट एवरी चाइल्ड शुड लर्न कहिंदे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एवरी चाइल्ड नूं सीखने चाहिए ने आई बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड डेफिनेटली स्टार्ट लर्निंग हाउ टू राइड फ्रॉम एन अर्ली एज सो कहिंदे हरेक चिल्ड्रन नूं सीखना चाहिए भी वह किदां स्टार्ट कर सकता राइड करना माई पेरेंट्स बॉट मी फस्ट बाइसाइकिल when I was 10 years old and it helped me become more confident about myself mere parents ne vi kehnde mainu 10 saalan di umar de vich hi cycle leta si te main jadon mainu unna ne cycle le ditta te mera confidence hor increase ho gaya si fourth question hai do you think cycling is a good way to exercise kehnde tuhanu ki lagda cycling is good way hai exercise karan da so definitely yes Cycling is mainly an aerobic activity. Cycling is an aerobic activity, which means that your heart, blood vessels, and lungs all get a workout. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ heart ਦੀ blood vessels ਦੀ lungs ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ practice ਹੁੰਦੀ ਹੈ. You will breathe deeper. ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. Perspire. And experience increased body temperature. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚ ਵਿਲ ਇੰਪਰੂਵ ਯੂਅਰ ਓਵਰਆਲ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੰਕਲੂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ